पकड़ना मकैम्बो, मुझे लगता है भूल गए हैं। बाय बाय एनुआउस। मुझे पता है बचपन में आपके दिमाग में घर छोड़ने का ख्याल एक न एक बार तो जरूर आया होगा, पर ये ख्याल मेरी बेटी के दिमाग में क्यों आया ये जानने के लिए तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। और आप जानते हैं कि थोड़ी देर पहले ऐसा हुआ क्या था? वैसे मेरे नए वीडियोस अब आते हैं सैटरडे 1 PM पे, तो अलार्म सेट कर लो। बेटा मम्मा मेरे सारे फ्रेंड भाई बहनों के साथ खेल रहे हैं। तो आप मेरे साथ खेलती हो? तो मुझे अपनी छोटी बहन चाहिए। तो मैं हूँ ना आपकी छोटी बहन। आप मेरी छोटी बहन, तो मैं आपकी मम्मी हूँ क्या? मुझे एक छोटी बहन चाहिए, नहीं दो, नहीं तीन। तीन? अरे कोई नहीं मम्मी, पपी चिल्ला दो उससे काम चिल्ला दूंगी। बेटा और पप्पी का ख्याल कौन रखेगा? मैं। बेटा वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसकी सुसु पॉटी कौन साफ करेगा? मम्मा मैं साफ करूंगी, प्लीज मम्मी अपनी सगी बेटी की इतनी सी बात मान लो। अच्छा ठीक है, कुछ करती हूँ। ये मैडम जी मैं लेके आता हूँ। हाँ? लीजिए मैडम। हेलो। अरे भाई अनाया ना पप्पी मांग रही है। अगर पप्पी चाहिए तो दे दो ना पप्पी। दीदी यार दीदी। हाँ दीदी। अरे वो वाली पप्पी नहीं, पप्पी यानी कि डॉगी। अरे जैसा दीदी बोलेगी वैसा पप्पी सिंह करेगा, अभी लाया। अरे हाय ऐसा भाई तो हर किसी बहन को मिले। अनाया। अरे छोटे बड़ी जल्दी ले आया तू पप्पी। प्रणाम दीदी। हाँ जी तेरा। अरे मेरा भाई, ये निशान किस बात का? अरे दीदी मेरे कंधों पे बहुत जिम्मेदार रहती, कल ही पकड़ा है गैंग को। हाँ? लग तो नहीं रहा है, चाटे का निशान लग रहा है। अरे हमको छोड़, तो कोई गॉसिप सुना ना। दीदी बाकी सब तो ठीक है, लेकिन कोई लड़की घास नहीं डालती मुझे तो। घास क्यों डालेगी, तू का कोई गाय या भैंस है? अरे मेरा भाई तो इतना सुंदर है ना, लड़कियां मरती है ऐसे लड़कों पे। मरती नहीं है, मारती है। अच्छा दीदी मैं चलता हूँ ठीक है, लेकिन जो पप्पी मैं आपके लिए लाया हूँ बहुत सेंसिटिव डॉग है, उसको आप एसी में रखना और 4 बार खाना देना, वो भी सिर्फ डॉग फूड, और दिन में 3-4 बार कंघी जरूर कर देना, बहुत प्यारा बच्चा है। प्रणाम दीदी। प्रणाम प्रणाम। इसका तो बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, चलो एनु तो हेल्प करेगी। अरे बेटा अब पपी रखा है तो उसका ख्याल भी तो रखना पड़ेगा ना। मैं हूँ ना। हा? अच्छा मम्मी ब्लैक ब्लैक मोती कहाँ से आ गए? अरे ये तो मुकैम्बो की पॉटी लग रही है। अरे बेटा सारा काम हम ही से करवाएंगी, अपना भी और मुकैम्बो का भी।
चलो करती हूँ पॉटी साफ। बेटा मैं आटा मार रही हूँ ना, आप साफ कर दो। मम्मा ये वाली आप कर दो, मैं तीसरी वाली कर दूंगी। हे भगवान, ये लड़की भी ना। अनाया मुझे ना कुछ काम है, बेटा आप मुकैम्बो को खाना खिला दोगे? मम्मा मैंने उसको हवा खिला दी, आप उसको खाना खिला दो। हाँ? बेटा आपको तो उसका कोई काम करना ही नहीं है, फिर आप पपी लेके क्यों आए थे? अच्छा एक काम करो, आप जाके अपनी ऑनलाइन क्लासेस करो। मम्मा मुकैम्बो को तो कभी नहीं बोलती या ऑनलाइन क्लासेस कर लो। अनाया आप कुछ ज्यादा ही शैतान हो रही हो, अभी अगर मुकैम्बो ये खा लेता तो उसके गले में फंस जाता, फिर हॉस्पिटल नहीं लेके जाना पड़ता उसको। आपकी शैतानियां बस पापा को आने दो। खा लिया था वो अनाया ने, नहीं ये नीचे गिरा दिया था। और फिर शुरू हुआ मुकैम्बो वर्सेस अनाया का ड्रामा। बेटा मैं मुकैम्बो का मुंह पोंछ रही हूँ ना, देखो कितना गंदा हो गया है। आप तो बिग गर्ल हो गई हो ना, बेटा खुद से नहा लो। नो बाबू खा लो, खाना खिला दो। बेटा बस होने ही वाला है, पहले मुकैम्बो का हो जाए उसके बाद में आपको खिला दूंगी, आप खुद भी खा सकते हो, आप तो बिग बेबी हो ना। बेटा मैं ना मुकैम्बो को घुमाने लेके जा रही थी पार्क में, आप चलोगी? नो नहीं मम्मी, मुझे नहीं चलना। मुकैम्बो मुकैम्बो खाना खा लो, मुकैम्बो 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 बने थे। सैंडविच चलो खा के चली जाती हूँ। वैसे अनु आप घर छोड़ के जा क्यों रही थी? क्योंकि पापा और आप मुझे बिल्कुल नहीं प्यार करते, बस पपी को प्यार करते हो। अनु एक बात बताओ, आप मम्मी और पापा दोनों से प्यार करती हो? मम्मी ये पूछने के बाद तो है ही नहीं, मैं तो आप दोनों को प्यार करती हूँ। एनु जैसे आप मम्मा पापा दोनों से प्यार कर सकती हो, वैसे मम्मा पापा भी तो आप और मुकैम्बो दोनों से प्यार कर सकते हैं ना? हाँ मम्मा, वो तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचा नहीं बेटा, सोचा। पता है जब आप मुकैम्बो के बराबर थी ना 3 months की, मैं आपको 1 second के लिए भी नहीं छोड़ती थी, हमेशा आपका ख्याल रखती थी। मम्मा अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। पर आप तो घर छोड़ के नहीं जा रहे थे? वो तो मैं कपड़े धोने जा रही थी। बाय बाय मम्मा, मैं खेलने जा रही हूँ मुकैम्बो के साथ। बाय बाय। अगर आपके घर भी कोई नया मेहमान आए, इसका मतलब ये नहीं कि आपकी मम्मी पापा आपसे प्यार करना छोड़ देंगे, वो तो आपको और नए मेहमान दोनों को हमेशा प्यार करते हैं, प्यार करते थे और प्यार करते रहेंगे। और हाँ, मेरे वीडियोस अब सैटरडे 1 PM पे आने लगे हैं, आपको पता भी है कि नहीं? जल्दी से रेड सब्सक्राइब बटन को ग्रे कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, तभी आपके फोन पे नोटिफिकेशन आएगा मेरे नए वीडियोस का। मैं मिलती हूँ एक ऐसे ही प्यारे से वीडियो के साथ आपको यूट्यूब पे नेक्स्ट टाइम सैटरडे 1 PM पर। Bye-bye!